Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do unit 2, stages of problem solving. Unit 2 is from block 4, MPC 001. So as you guys know that I am making subsections of every unit, and you would be getting 2 videos from this unit, and the link of those videos you will get in the description section of the videos below. So let us start today's topic. Aaj hum unit 2 kar rahe hain, jo block 4 MPC 001 ka part hai, jahan pe hum kuch topic cover karenge. Aur is unit se aapko 2 video milne wale hain. Ek वीडियो आज और अगली क्लास में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा. इन वीडियोस के लिंक आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी यूनिट मिल जाएगी. बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट. सो लेट अस स्टार्ट. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस यूनिट में एक तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है, जनरेटिंग सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे. ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा आज. ये जो मैंने हाईलाइट किया है, आज हम ये टॉपिक करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, जब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम प्रॉब्लम के बेसिक स्टेप्स को एग्जामिन करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम उसकी स्ट्रेटजीज को देखते हैं, हम किस तरह से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक पहुँचते हैं. ये सब हम आज करेंगे इस चैप्टर में. और जो स्टेजेस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्या टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करती है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं. तो सबसे पहली बात, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब होता है कि ये सबसे पहला स्टेप है, पहली बात. दूसरा, जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जितने भी उस प्रॉब्लम के एस्पेक्ट्स हैं या नेचर है प्रॉब्लम का, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, इस ये प्रॉब्लम है ही क्यों, इसमें क्या इशू है कि ये प्रॉब्लम है. उसको प्रॉब्लम को गोल तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से अड़ंगे सामने आ रहे हैं या फिर ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, वो हम देखते हैं सबसे पहले. यानी कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना ज़रूरी है ना. तो जो ग्रीनो है, ग्रीनो ने 1977 में बताया था कि अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, उसको हम समझने के लिए अपने ब्रेन में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं. किस चीज़ के? हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम पूरी जो प्रॉब्लम हमें दी होती है, हम उसको पढ़ते हैं, उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं, और उन सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको आपस में मर्ज करके वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जिसकी हेल्प से हम गोल तक पहुंच सके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके. तो सबसे पहली बात, हमें अटेंशन पे करनी पड़ती है उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो हमें गोल स्टेट तक पहुँचाएगी. और दूसरा, हमें इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना होता है. यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते. नेक्स्ट स्टेप होता है एक अच्छा तरीका ढूंढना जिससे हम अगले स्टेप पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन तो ले ली. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हम उस प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्दर रिप्रेजेंट करना होता है प्रॉब्लम को, सो दैट हमारे लिए वो प्रॉब्लम थोड़ी आसान समझ में आए. उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल इमेजेस का यूज़ करते हैं. तो हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए तरह तरह से हम उस प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सो दैट हमें जल्दी समझ आए कि प्रॉब्लम है क्या. सो हमने क्या किया, पहले हमने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, एंड जो इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको आउट किया, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको इकट्ठा किया, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाए, जैसे कि सिम्बल्स, लिस्ट्स, मैट्रिसेस, ग्राफ्स, विजुअल इमेजेस, इस तरह से. नाउ अब बात आती है जनरेटिंग सोल्यूशंस. अब सोल्यूशन कैसे जनरेट करेंगे,
तो उस प्रॉब्लम का पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या होता हो सकता है. तो बहुत तरीके हैं करने के लिए, जिसके लिए हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या प्रेजेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, है ना. जो हमारे को उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने अगर पहले पास्ट में कोई चीज़ सॉल्व करी है तो हमारे लिए ये प्रेजेंट प्रॉब्लम जो है थोड़ी आसान हो जाती है. और हो सकता है कि पास्ट में जब हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब वो रिसोर्सेज हैं. तो जब हम क्रिटिकली सोचते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है. कुछ मेथड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन वो गारंटी करते हैं कि हमें आंसर ज़रूर मिलेगा. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन मिलने की कोई गारंटी नहीं होती. तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस वी नीड टू चूज द वे ऑफ सॉल्यूशन, है ना. हमें सॉल्यूशन निकालने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं इस बेसिस पे कि हमारे पास टाइम कितना है, टाइम अवेलेबल कितना है, क्या प्रायोरिटी है हमारी, क्या हमारी टाइम प्रायोरिटी है या हमारे सॉल्यूशन प्रायोरिटी है. अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट है तो हम ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन निकाल के रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे पास कम टाइम है तो फिर हम कम टाइम वेस्ट होने वाले से करेंगे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है मिल जाए. तो ये एक वैसा हो गया जैसे आप तुक्केबाजी करते हैं, वो वाली बात. सो नाउ जजिंग द बेस्ट अमंग द लाइकली सॉल्यूशंस, आप कैसे जज कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है. तो इसमें जो हमें आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि हम कैसे गोल के पास तक पहुंच जाए, अगर गोल तक नहीं तो गोल के पास तक पहुंच जाए, और जो बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स हैं और जो इसके पीछे खर्चा आने वाला है सॉल्यूशन निकालने का या हिडन कॉस्ट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, उन सबको इन्वॉल्व करने के बाद हम बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर पाएं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम गोल के नज़दीक पहुंचे, जो मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं उनको जाने, कौन कौन से हिडन कॉस्ट है उसको पहचाने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाए सो दैट हम एक बेस्ट सॉल्यूशन चूज कर सके. नाउ कैरिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन, उसके लिए आपको क्या करना होगा अगर आप बेस्ट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं. सो उसके लिए आपको दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है. एक को बोलते हैं एल्गोरिथम, दूसरे को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स. तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें से किसी एक को हम चूज करते हैं. अब ये क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले हम सॉल्यूशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो हम जानेंगे. तो अगर प्रॉब्लम सॉल्वर सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं, किसी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने वाले सॉल्यूशंस को कंपेयर करना चाहे, तो कभी कभी होता है कि हम इवैल्यूएशन स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू हम कर पाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते कि कैसे कैसे क्या क्या होगा. तो हमें इवैल्यूएट करनी होती है हर एक स्टेज में कि कौन सा स्टेज हमें प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचा देगा, किसको हम सही तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे. सो किसी भी स्टेज के स्टार्ट में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो उनकी एडिक्वेसी कितनी है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है जिन्हें हम यूज़ करना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए उसकी वो कितने एडिक्वेटली अवेलेबल हैं. नाउ ये जहाँ पे आप पिंक हाईलाइट देख रहे हैं अभी से ऊपर से भी आप देख रहे होंगे, अभी तक तो नहीं आया आज के टॉपिक में, लेकिन ये पहला हाईलाइटिंग है पिंक से, इसका मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. हमसे पूछा जाता है स्ट्रेटजीज बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा. दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, पहली है एल्गोरिदम एंड दूसरी है ह्यूरिस्टिक. एल्गोरिदम का क्या मतलब है, एल्गोरिदम का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो ये गारंटी करता है कि पक्का आप आंसर तक पहुंचेंगे, इसकी गारंटी है. और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए. आप छोटे में जब मल्टीप्लिकेशन सीखते थे तब क्या करते थे, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता था एंड यू न्यू कि आंसर आएगा ही आएगा ऐसे करने से. तो लेकिन कंडीशन क्या है, आपको इंपॉर्टेंट रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा. एक और एग्जाम्पल है, इन्होंने एनाग्राम प्रॉब्लम्स का दिया है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, लेटर्स हमें रेंडमली दिए होते हैं, जंबल्ड लेटर्स होते हैं जिसको हमें घुमा फिरा के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, या इतने वर्ड्स बनाने होते हैं जो मीनिंगफुल वर्ड्स हो या नॉन मीनिंगफुल भी हो तो भी आगे पीछे करके हमसे बन जाए वो. एल्गोरिथम्स भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक
रैंडम सर्च टेक्निक और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च टेक्निक। ये देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एल्गोरिथम जो दो तरह के बताए हैं वो हैं सिस्टमैटिक रैंडम सर्च टेक्निक और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च टेक्निक। जो अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका मतलब है जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं उन सबको ट्राई आउट करो और कहीं रैंडमली किसी भी ऑर्डर में उन्हें ट्राई आउट करो। बस आपको जो क्वेश्चन है उसको किसी भी तरीके से हर एक स्टेप हर एक तरीके से कर करके देखना है और कोई भी आपको रिकॉर्ड नहीं रखते आप इसका कि आपने कौन कौन से स्टेप्स कर लिया, अटेम्प्ट कौन कौन से तरीके आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, अगर आपने बहुत सारे स्टेप्स तो फॉलो किए हैं लेकिन आप भूल गए या आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि आप सपोज एक जगह जाने के लिए 50 दरवाजे हैं और वो रैंडमली बने हुए हैं, आपको नहीं पता चल रहा पहला कौन सा है दूसरा कौन सा था। अगर आप उन दरवाजों पे कोई मार्क नहीं लगाएंगे तो आप तो उस डोर के अंदर दोबारा घुस जाएंगे। तो यही अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च है कि आप अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं तो इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि हो सकता है उन डोर्स में आप दोबारा घुस जाएं जो गलत हैं, जो आपको गोल तक नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही इसमें अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो वो गलत को बार बार आप हिट करेंगे। नाउ सिस्टमैटिक रैंडम सर्च के बारे में बात करें तो इसमें जितने भी पॉसिबल आंसर्स है एक स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो किए जाते हैं और ये मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है अनसिस्टमैटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि ये हाईली टाइम कंज्यूमिंग तो होता है लेकिन बहुत सारे अल्टरनेटिव आंसर भी हमारे पास होते हैं उसके। तो इन्होंने बताया है कि जैसे वाई बी ओ लेटर्स है एनाग्राम के, और आपसे बोला है कि सिस्टमैटिक रैंडम सर्च के मेथड से लिख के बताएं, तो आप ये इस तरीके से लिख देंगे। देखिए इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग तरीके से लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप अनसिस्टमैटिक वे में करेंगे तो हो सकता है आप एक ही स्पेलिंग को कई बार ही लिख दें, लेकिन यही चीज़ अगर हम इन लेटर्स पे अप्लाई कर दें तो क्या हाल होगा अपना, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ सेकेंड मैथड इज ह्यूरिस्टिक्स। तो पहला एल्गोरिथम था, एल्गोरिथम में दो टाइप के थे, सिस्टमैटिक रैंडम सर्च एंड अनसिस्टमैटिक रैंडम सर्च। नाउ सेकेंड मैथड है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स मतलब तुक्काबाजी। ये स्ट्रेटेजी जो है सारे अल्टरनेटिव्स को नहीं देखती और ये कुछ जो हमें लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है आंसर के लिए, सोल्यूशन के लिए, हम उन्हीं अल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं, चूज करते हैं एंड कभी कभी आंसर आ भी जाता है। तो एक तरह से ये शॉर्टकट रूल है जो कम टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये सक्सेस की भी गारंटी नहीं देता। इसमें रूल्स ऑफ थंब फॉलो किए जाते हैं। ह्यूरिस्टिक जो है जैसे कि मैंने बताया ये सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं देता लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी आंसर मिलने के चांसेस होते हैं अगर वो आपका तुक्का काम कर गया तो। जैसे ये वर्ड है डी डब्ल्यू ए आर जी, इसको ये रैंडमली लिखा है, अगर आपको बोला जाए कि इसके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जिससे ऑलरेडी वर्ड्स हैं हमारे पास, है ना, जैसे डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ इस तरह के। इसका ड्रॉबैक क्या है, हो सकता है आप कुछ वर्ड्स मिस कर जाएं क्योंकि आप सारे तो बना ही नहीं रहे, आप तो लिमिटेड बना रहे हो। नाउ ये दोनों टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट थे ह्यूरिस्टिक्स का भी, अब हम आगे जा रहे हैं सम स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। जैसे कि एक डोमेन इंडिपेंडेंट टेक्निक होती है, डोमेन स्पेसिफिक टेक्निक भी होती है। तो डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है उसके बारे में मैं पहले बात करूंगी। यहाँ लिखा है डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आप ये लिख भी सकते हैं कॉपी में। इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी पता है ये किस सिनेरियो में बात हो रही है। जैसे कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप जाके कहीं ट्रैवल एजेंट को ही ढूंढेंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे कि मुझे ट्रैवल करने जाना है, बताओ मुझे होटल कौन सा यूज़ करना है, मुझे कैसे ट्रैवल करना है। सो दैट वुड बी अ फनी सिनेरियो। आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे और ट्रैवल एजेंट से डिस्कस करेंगे कौन कौन से तरीके हैं आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के एंड कितना कॉस्ट आएगा, कहाँ स्टे कर सकते हैं, ये सब।
अगेन ये हो गया कि डोमेन स्पेसिफिक है, यानी आप ट्रेवल एजेंट के पास जा रहे हैं क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करना है। ऐसे ही अगर आपको बैंक बैलेंस पता करना है तो आप ट्रेवल एजेंट के पास तो नहीं जाएंगे, उसको तो बताना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास पैसा कितना है, नहीं तो वो तो आपको महंगे महंगे चीज़ें बताएगा और सस्ती का भी महंगा बना के बताएगा। सो इसमें आप बैंक बैलेंस चेक करने के लिए या तो आप ऑनलाइन चेक करेंगे या फिर ATM में जाएंगे या अपने बैंक में जाएंगे तब जाके। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिसमें आपको पता है कहाँ पे हिट करना है वो डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मानी जाती है। लेकिन ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिनका डोमेन इंडिपेंडेंट टेक्निक यूज करनी पड़ती है क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर डोमेन होता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि 10 वर्ड्स ऐसे ढूंढें जो सी से शुरू होते हैं और वो खाने पीने वाली चीज़ों के नाम है, तब क्या होगा? तब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं जनरेट एंड टेस्ट टेक्निक। यहाँ पे नाम आया है, यहाँ मैं भूल गई आपको नाम बताना, ये ऊपर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे मूव करती हूँ। ये देखिए, ये जनरेट एंड टेस्ट टेक्निक, इसका क्या मतलब है? आप जनरेट करेंगे वर्ड और टेस्ट करेंगे कि क्या आपके आपको जो कंडीशन दी है उसको वो मीट कर रही है कि नहीं कर रही है उस रिक्वायरमेंट को। जैसे कि इन्होंने सी लेटर बोला, तो सी से आप पहले कोई वर्ड ढूंढेंगे। सपोज आपने कुकी ढूंढा, अगेन सी से कुकी, एंड सी कुकी को हम खाते भी हैं, तो अगेन आपको एक वर्ड मिल गया। नाउ सी से फिर आप दूसरा वर्ड सोचेंगे, सपोज मैंने सोचा कैप, बट कैप तो मैं नहीं खाती, तो कैप को आप हटा देंगे। तो जनरेट करना मतलब आपने वर्ड जनरेट किया, टेस्ट करना मतलब आप टेस्ट करेंगे कि जो गिवन सिनेरियो है उसमें आपने वो चीज़ की कि नहीं की। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं कि किस तरह से हम फिगर आउट करते हैं जनरेटिंग एंड टेस्टिंग से। ये छोटे बच्चों के साथ हम बहुत करते हैं गेम, है ना, तो वो बच्चों को मज़ा भी आता है पढ़ने में, बड़ा खुश होते हैं वो लोग ये सब करने में, खेलते रहो उनके साथ सारे टाइम। ओके, नाउ ये जो टेक्निक है ये अपनी इफेक्टिवनेस तब खो देती है जब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं मिल रही होती हमें जनरेशन प्रोसेस में, तो हमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं दुनिया में सी से स्टार्ट होने वाले, तो हमें सब थोड़ी ना आता है, तो इतने सारे हम कैसे करेंगे। लाइक सपोज आपका ATM का पिन आप भूल गए, अब आप क्या करेंगे? आप पहले तो सोचेंगे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट इतने सारे नंबर्स होते हैं, कब तक आप ढूंढते रहेंगे उसको, और एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप उस चीज़ को गिव अप कर जाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें जनरेट एंड टेस्टिंग से नहीं हो सकती अनलेस यू नो कि कौन कौन से नंबर थे, चाहे आगे पीछे हो गए हो तो भी आप सोच लेंगे, लेकिन अगर आपको नंबर भी नहीं याद है, एक भी डिजिट नहीं याद है, तो बहुत मुश्किल होने वाली है, है ना। तो जनरेट और टेस्ट तब यूजफुल होता है जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नहीं होती और आप उस पर ट्रैक रख सकते हैं। और जो जैसे कि क्लासरूम, अगर आपको मालूम है कि आपकी जो कीज़ हैं वो क्लासरूम और कैफेटेरिया के बीच में कहीं गिरी है, तो आपको एटलीस्ट पता है ना इतने एरिया के बीच में गिरी है, तो आपको कीज़ मिल जाएंगी। सो लिमिटेड कंडीशंस में तो जनरेट एंड टेस्टिंग इज़ ए गुड वे। नाउ मीन्स एंड एनालिसिस क्या है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें पिंक मार्क है। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो प्रॉब्लम को बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के आंसर ढूंढता जाता है, और जैसे ही आंसर मिलते जाते हैं तो आप गोल स्टेट के नज़दीक आते जाते हैं। दोनों जो इनिशियल स्टेट होती है और जो गोल स्टेट होती है उनके बीच में डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो इसमें मीन्स का मतलब होता है जो तरीके जो आपने यूज़ किए हैं, आपने किस किस टुकड़ों में बांटा है उसको, वो मीन्स है। और एंड्स मतलब जो आपको आंसर तक पहुंचना है। तो इसमें मैं एक बार रीड करूंगी, इट इन्वॉल्व्स फिगरिंग आउट द एंड्स यू वांट, यानी कि जो आपका गोल चाहिए वो, एंड देन फिगरिंग आउट व्हाट मीन्स यू विल यूज टू रीच दोज एंड्स, मतलब आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं, किस तरीके से आप पहुंच रहे हैं उस एंड तक। तो मीन एंड्स एनालिसिस जो है वो सब गोल्स को एलिमिनेट करती जाती है, यानी आपने एक बड़ी प्रॉब्लम के छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े सॉल्व करते गए तो ऑटोमेटिकली आप आंसर तक पहुंच गए। जैसे एक मैथ्स में आप ये लीनियर पेयर के क्वेश्चंस जो करते, लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस करते हैं, उसमें इसी तरह से होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है, अगर आपको सिंगल एस बनाना है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करके बनाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आप मीन्स एंड में कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, आप कोई भी बड़ा काम भी ऐसे कर सकते हैं, कोई घर में ही बहुत बड़ा काम है, तो आप सपोज पूरे घर में आपको पुताई करनी है, वाइट वॉश करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पूरे घर में एक साथ थोड़ी ना शुरू कराएंगे, आप घर के पोर्शन को कुछ कुछ भागों में बांट देंगे कि आज इतने का इतना काम होगा, अगले दिन इतना काम होगा, ऐसे करके पूरे घर का
वाइट वॉश कंप्लीट हो जाता है। तो जो स्ट्रेटजी है इसमें कि हम कंपेयर करते हैं स्टेट्स को और फिर हम एस्टेब्लिश करते हैं सब गोल्स और फिर सब गोल्स को तक पहुंचते हैं एंड उसके बाद उन सबको मिला के फाइनल गोल तक पहुंच सकते हैं। नाउ बैकवर्ड सर्च, बैकवर्ड सर्च बड़ा इजी है। आपने कभी वो पेन पेपर पेंसिल मेज का तो सुना ही होगा जिसमें हम रास्ता ढूंढते हैं, वो छोटे से ही बहुत खेले होंगे आप कि एक आपको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है और बीच में बंद होते हैं दरवाजे और आप खेलते रहते हैं, उसको मेज का गेम कहते हैं। सो आप हम ना आंसर से गोल स्टेट से शुरू करते हैं, जहां हमें बोला होता है कि यहां से बाहर निकलना है वहीं से हम शुरू करते हैं सो दैट हम जल्दी पहुंच जाएं। तो इसमें भी यही होता है कि हम गोल स्टेट से शुरू करते हैं और उल्टा चलते हैं, उल्टा चलने से हमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं और हम यूनिक गोल को यूज कर पाते हैं। सो मेज का गेम इज माई फेवरेट, मतलब मैं कितना भी खेल सकती हूँ उसको। तो जो रीज़न है पीछे पीछे खेलने का, मतलब उल्टा उल्टा खेलने का, ये कि हम सब गोल्स तक पहुंच जाते हैं पीछा पीछे कर करके उल्टा उल्टा खेल के एंड हम स्टार्टिंग पॉइंट को देखने लगते हैं जिससे हम गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए कहा गया था। ये प्रॉब्लम सॉल्वर जो होता है वो जितने भी सब गोल्स हैं उनकी स्ट्रिंग को देख सकता है और उल्टा उल्टा जब जाता है तो उसको पता चलता जाता है कि उसको कौन से स्टेप में जाना है और वो धीरे धीरे करके पूरा डायरेक्शन उसको मिल जाता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से कैसा कैसा ये रास्ता बनेगा। तो बैकवर्ड चलने से भी, बैकवर्ड काम करने से भी हम गोल स्टेट को अचीव कर जाते हैं कभी कभी, ये लेकिन एक यूनिक तरीका है ना। नाउ प्लानिंग स्ट्रेटजी एक और तरीका है। प्लानिंग स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एक सिंपल एस्पेक्ट और एक कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट में तोड़ देते हैं, मतलब एक सिंपल फॉर्म और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तोड़ देते हैं उस प्रॉब्लम को। सिंपल वाले को हम सॉल्व कर देते हैं एंड देन कॉम्प्लेक्स को करने लगते हैं क्योंकि हमें आइडिया मिल जाता है कि वो किस तरह से सॉल्व होगी, एक पिक्चर बन जाती है हमारे दिमाग में। तो कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट जो है उसको सॉल्व करने के बाद, ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है। ऐसा क्यों, ऐसी यूज़फुल क्यों है इसका ये एस्पेक्ट, क्योंकि हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं सॉल्यूशन जब हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हमने पहले ब्रेक कर दिया सिंपल एंड लार्जर एंड देन हमने सॉल्व कर दिया। जैसे कि एनालॉजी की प्रॉब्लम को अगेन देखें, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। जो सॉल्यूशन हमें इस प्रॉब्लम का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उन वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, उन लेटर्स के बारे में सोचते हैं जिनसे वर्ड्स बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एंड देन फिर हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। सो हम ज़्यादातर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही ऐसी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि वो इनसे काफ़ी सिमिलर होती हैं। सो जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम ढूंढते हैं पहले कि अभी की प्रॉब्लम और जो पुरानी हमारी प्रॉब्लम थी उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो ढूंढने के बाद हम काम करना शुरू करते हैं तो हम आंसर तक जल्दी पहुँच जाते हैं। तो प्लानिंग स्ट्रेटजी जो है अपनी स्ट्रेटजी वो डिपेंड करती है कि जो सिंपल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो किस एक्सटेंड तक हमारे लिए हेल्पफुल है और वो जो सोल्यूशन है सिंपल प्रॉब्लम का वही हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। नाउ नेक्स्ट इज थिंकिंग अलाउड, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एरिक्सन एंड सिमोन के ने बताया था ये चीज़ कि जब हम जोर से जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम बोल बोल के सोचते हैं तो हम एक कंकरेंट वर्बलाइजेशन होता है उसका, उसको बोलते हैं कंकरेंट वर्ब, जब आप सोच भी रहे हो और बोल भी रहे हो साथ साथ, जो आप सोच रहे हो वही बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं कंकरेंट वर्बलाइजेशन। यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग, जब ये आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें अमिताभ जी बोलते हैं ना कंटेस्टेंट को, आप क्या सोच रहे हैं आप बोलिए उसको, बोल के सोचिए, आप जो भी सोच रहे हैं बोलते जाइए, हम भी समझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, रिमेंबर दैट। तो ये वही है कंकरेंट वर्बलाइजेशन, जो आप सोचते हैं वो आप बोल भी रहे हैं। सो आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इंसान अटेंड भी कर रहा है। एक और तरह का वर्बलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वर्बलाइजेशन, जिसमें जो इंसान है उससे बोला जाता है कि उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पूछा जाता है। जब पहले उसके दिमाग में जब चल रहा था कुछ
तो क्या चल रहा था उसके बारे में उससे पूछा जाता है, तो वो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। ये दोनों वर्बलाइजेशन एक दूसरे से अलग हैं, कैसे अलग हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंकरेंट वर्बलाइजेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वर्बलाइजेशन का क्या मतलब है? तो एक तो ये कि इसमें इंसान बोलता है वो जो सोच रहा होता है इंस्टेंटली, और इसका मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव का कि उसने पहले कभी जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ सोचा होगा उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस में क्या चल रहा था वो। सो जो कंकरेंट वर्बलाइजेशन है, जो बोल के सोचने वाली, सोचते सोचते बोलने वाली बात है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, और रेट्रोस्पेक्टिव वर्बलाइजेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ जब भी सब्जेक्ट थिंक अलाउड कर रहा होता है, यानी कि जो भी सोच रहा होता है वो बोलता भी है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो ये एक इंसान का सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, और जो इस वर्बल डिस्क्रिप्शन को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब है जो इंसान सोच रहा है वो जब वो बोल रहा होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो उसने डिस्क्राइब किया है जो भी वो सोच रहा है, उसका वर्बल डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सो इन प्रोटोकॉल्स में हम ओमिशंस भी करते हैं, मतलब जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम हटा देते हैं, हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को रखते हैं जो हमारे लिए वाकई इम्पोर्टेंट है। न्यूवेल जो है उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि प्रोटोकॉल को समझाने के लिए कि प्रोटोकॉल होता क्या है, क्या कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहला स्टेप होता है प्रोटोकॉल को डिवाइड कर दो फ्रेजेस में, और उसको वो जो एक सिंगल एक्ट था जिसके बारे में इंसान बात कर रहा है, मतलब जो इंसान जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है और उसको बोल भी रहा है, उस स्टेटमेंट को डिवाइड कर दो फ्रेजेस में। तो प्रोटोकॉल उन फ्रेजेस को डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप ये है कि प्रॉब्लम बिहेवियर ग्राफ बनाना होगा। एक्सपेरिमेंटर जो है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या करेगा, प्रॉब्लम बिहेवियर ग्राफ बनाएगा, यानी कि वो एक कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन बनाएगा जो भी सब्जेक्ट ने प्रॉब्लम स्पेस के बारे में हमें बताया है। सपोज आप ऐसे, जैसे कि बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे होते हैं या किसी बड़े गुंडे को पकड़ने जा रहे होते हैं, तो वो इसी तरह की बात करते हैं कि वो बोल रहे होते हैं और एक प्रॉब्लम स्पेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो एरिया कैसे है जहाँ पे हमें अटैक करना है, एक बंदा जाके पता लगा के आता है, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको ही प्रॉब्लम स्पेस मान के चलिए। तो प्रॉब्लम बिहेवियर ग्राफ बनाया जाता है जो डिस्क्राइब करता है किस तरीके से सब्जेक्ट मूव कर रहा है उस प्रॉब्लम स्पेस में, प्रॉब्लम के बारे में क्या क्या सोच रहा है। वही जो KBC में अमिताभ जी कहते हैं कि बताइए आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे हैं प्रॉब्लम के क्वेश्चन के बारे में, आपको क्या लगता है आंसर क्या है, तो उसी तरह से प्रॉब्लम स्पेस में हम घूमते हैं जब हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन की जाती है वो सब्जेक्ट बिहेवियर जो है उसको लेकर। सो इस तरह से ये काम होता है। कंकरेंट वर्बलाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, और लेकिन ऐसा भी कहा गया है स्टडीज़ में, जो स्कूलर होल्सन एंड ब्रूक्स ने 1993 में दी थी, वो ये कहते हैं कि ये जो कंकरेंट वर्बलाइजेशन है कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को में इंटरफेयर भी करता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे कुछ ग्रुप के लोगों में ये रखा था कि एक ग्रुप को तो यही करना था, थिंकिंग अलाउड करना था, दूसरे ग्रुप को इररेलीवेंट एक्टिविटी करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। इन्होंने देखा वो ग्रुप जो वर्बलाइज्ड था, वर्बलाइजेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था, वो प्रॉब्लम ढंग से नहीं सॉल्व कर पाया, और जो इररेलीवेंट एक्टिविटी कर रहे थे वो वाले ग्रुप के लोगों ने ढंग से सॉल्व कर डाला कंपैरेटिवली। तो ये नॉन रिपोर्टेबल एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं हमारे माइंड में। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, इनसाइटफुल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, तब हम तब कुछ ऐसी एक्टिविटी, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने में। जब आप बोलते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बोलते हैं, तो आपके जो सबकॉन्शियस में या इनसाइट में चल रहा होता है, वो जो प्रोसेसेस हमें हेल्प कर सकते हैं सॉल्यूशन ढूंढने में, वो सबसाइड हो जाते हैं। यानी कि थिंक अलाउड वाला मेथड इज नॉट गुड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। अगर आप बोल के सॉल्यूशन निकालते हैं तो कुछ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हमारी हेल्प नहीं कर पाते, जिनका अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में।
सो ये नॉन रिपोर्टेबल प्रोसेसेस ऐसे बोला जाता है इन प्रोसेसेस को जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी मेमोरी में जाके सर्च करते हैं और ऐसे आइटम्स को ढूंढ कर लाते हैं जो हमारे सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। ये जो प्रोसेसेस हैं ये डिसरप्ट हो जाते हैं मतलब बिगड़ जाते हैं अगर हम वर्बलाइज करने की कोशिश करें हमारे सॉल्यूशन प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश करें। रिसर्चेस अभी भी ये करती हैं थिंक अलाउड टेक्निक यूज़ करती हैं कि लेकिन अभी भी साइलेंट कंट्रोल ग्रुप्स के साथ इन्होंने कंपेयर करके भी देखा है कि थिंक अलाउड में ज़्यादा फ़ायदा है कि कंट्रोल ग्रुप जहाँ पे कुछ साइलेंट वे में बैठ के करते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो पता नहीं चला अभी तक कुछ भी इस बारे में। और ये भी नहीं पता चला कि क्या वर्बलाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस को या नहीं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते तो आप बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो लेट मी थिंक, है ना। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि हमारे जो दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तभी समझ में आती हैं जब हम साइलेंट मोड में होते हैं। मेडिटेशन भी हम इसी वजह से करते हैं अपने आप को ढूंढने के लिए अपनी तकलीफों को ढूंढने के लिए। कुछ और स्ट्रेटेजीज़ हैं जो 1-1 words में दी हुई है 1-1 line में दी हुई है। मैं जल्दी से ख़त्म करूँगी आज का ये वीडियो, बस इतना सा बचा है। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ये टेक्निक वो है जहाँ पे हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो एक पहले छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, उस मॉडल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व करते हैं। जब उस छोटे मॉडल पर काम हो जाता है तब हम एक्चुअल रियल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर में हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे ग्रुप्स में स्मॉलर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं बड़ी प्रॉब्लम को एंड देन उन सबको कंबाइन करके आंसर निकाल लेते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या कहती है, हम एज्यूम करते हैं पॉसिबल एक्सप्लेनेशन किसी प्रॉब्लम का और फिर उसी सॉल्यूशन को सही प्रूव करने के लिए एजम्पशंस करते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं जो हमने सोचा होता है सॉल्यूशन के बारे में। लेटरल थिंकिंग वो सॉल्यूशन है जहाँ पे हम इनडायरेक्टली और क्रिएटिवली अप्रोच करते हैं सॉल्यूशन की तरफ और ये लेटरल थिंकिंग इन्वॉल्व करता है। फोकल मेथड ऑफ फोकल ऑब्जेक्ट्स ये एक और मेथड है जिसमें हम नॉन मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनमें नॉन मैचिंग जो भी ये हैं क्या बोलते हैं नॉन मैचिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकालते हैं उन जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से नॉन मैचिंग चीज़ें निकालते हैं और नॉन मैचिंग को इकट्ठा करते हैं और हम सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मतलब अनकॉमन चीज़ें निकालना। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में हम प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं जिसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एंड फिर बड़ी प्रॉब्लम का छोटा एंड छोटा और छोटा करके हम रिडक्शन, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड रिडक्शन, छोटा करना। तो बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरी प्रॉब्लम में एंड देन और जिसके सॉल्यूशंस हमें पता है एंड देन हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। रिसर्च जैसे कि आपको पता ही है इसमें हम क्या करते हैं जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं या अडेप्ट जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं उन्हीं से ही हम उन्हीं के जैसे इसी सिमिलर प्रॉब्लम्स के ऊपर वैसे ही काम करते हैं जैसा हमने पहले किया था। पहले हमने उसी तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी उसका एक्सपीरियंस लेके हम इस प्रॉब्लम पे हाथ मारते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है रूट कॉज एनालिसिस। इसमें हम प्रॉब्लम का कॉज एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर, यानी कि आप बस पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो सारे ट्राई करते जाइए और जब तक कि आपको आंसर नहीं मिल जाता। लास्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि हम बहुत सारे लोग अपने अपने सॉल्यूशंस और अपने अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और हम बहुत जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उन सबको सजेस्ट करते हैं सॉल्यूशंस और उसके बाद वो जो आइडियाज़ आते हैं होते हैं उनको कंबाइन कर देते हैं और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उन सारे आइडियाज़ को मिला के। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज टुडेज वीडियो एंड वी हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस यूनिट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। So, I hope my videos are useful to you and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students so that everybody gets help out of it. Thanks for watching. Take care.